लद्दाख सबके जैसा मेरा भी ड्रीम राइड है लद्दाख। कभी जाएंगे लद्दाख और वो भी खुद अपने बाइक से। इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, समुंदर मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। मगर पहाड़ों में बाइक चलाना थोड़ा सा रिस्की होता है, मगर और ऊपर से जब आपके पास छोटी सीसी का बाइक हो तब रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर पहाड़ों का वो जिगजैग रोड, वो खुला आसमान, रात के टाइम का वो जो एकदम क्लियर सितारे, मतलब सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अचानक से बारिश और हर एक मोड़ पे कुछ नया चैलेंज, कुछ नया अनुभव, वो हमेशा से ही मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और प्लीज़ इग्नोर माई हिंदी, मेरे को हमेशा से ही नेचर के साथ रहना, मतलब रॉ नेचर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब भी मेरे को छुट्टी मिलता है मैं निकल जाता हूँ, कभी बाइक लेके निकल जाता हूँ तो कभी अपना रक्षक करने के लिए निकल जाता हूँ। कुछ लोग तो मेरे को सीधा मुंह के ऊपर ही पागल बोलते हैं। हाँ, मैं हूँ थोड़ा सा पागल, हूँ थोड़ा सा हटके। डर सभी को लगता है। उसका ऊपर 100 सीसी का बाइक लेके वंस आई मोटरेबल रोड काटूंगा, वहाँ पे जाने के लिए डर तो लगेगा ही, पर उससे भी बड़ा चाहिए कुछ का जिगरा, वो होना ज़रूरी है। और अनिमेश दा ये जो कह रहा है, इसके लिए मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत चाहिए होता है, बिना हिम्मत का ये करना नामुमकिन है। उसका ऊपर अनिमेश दा जो कैलकाटा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे पकड़ लीजिए अगर ठंड होता भी है, ठंड तो होता है नहीं, अगर होता भी है तो ये सिर्फ 2 महीना का लिए होता है। तो हमारे बॉडी को मतलब ऐसा मतलब चांसेस नहीं मिलता कि ठंड का असर हम लोग कोप कर ले, जो मिला ले हम लोग को, मतलब बॉडी को आदत लग जाए ठंड का। तो इसीलिए ये एक और बड़ा चैलेंज होने वाला है, कलकत्ते से होके हाटदुंगला में जाके वहाँ पर ठंड से अपने आप को मिला ले। उसका ऊपर से ऑक्सीजन लेवल तो वहाँ पर कम है ही, और हमें तो उतना हैवी मतलब लो एटमोसफियर में ब्रीथ करने का मतलब आदत भी नहीं है। थर्ड फिर ऑक्सीजन का लेवल कम होना, तो ये सब बहुत क्रिटिकल पार्ट प्ले करने वाले हैं, मतलब बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। अनिमेश दा को मैं बहुत थोड़ा सा जानता हूँ, कुछ भी करने का ठान लेते हैं तो बस करके ही छोड़ेंगे। इन 2 सालों में बहुत तैयारी की है इस ट्रिप के लिए। हमेशा कहते थे गाड़ी नहीं बंदे का जिगरा पहुँचता है पहाड़। अनिमेश के दिमाग में हमेशा कुछ अलग ही चलता रहता है, वो किसी को नहीं बताता, कभी कभी मुझे भी नहीं पता। वैसे तो मुझे उनके इस ट्रिप के रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, क्योंकि वो जब भी किसी को बताते थे कि मुझे 100 सीसी में लद्दाख करना है, लगभग सभी कोई उनको पागल बोलते थे या बोलते थे तुमसे नहीं होगा। लेकिन मैंने कभी उनको रोका नहीं, क्योंकि मुझे लगता था ये उनका ड्रीम है। और फिर मैंने एक दिन हमारे सबके जाने पहचाने शंकर दा के पास चला गया और उनसे थोड़ा सा सलाह परामर्श किया कि कैसे मेरे को जाना है, 100 सीसी को कैसे पहुंचाना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ के सामने मैं पड़ने वाला हूँ। तो बस उन्होंने भी, वो भी बहुत ही अच्छे आदमी है, उन्होंने जितना हो सके मेरे को हेल्प किए। साथ ही साथ यूट्यूब में जितना भी वीडियोस लद्दाख के बारे में था मैंने सारा वीडियोस देख चुका था। और यहाँ पे चल रहा है अपना प्लानिंग, कौन सा जगह को कैसे क्रॉस करना है, इतना तो पता चल चुका था कि मतलब मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ का भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है रोड में। वैसे तो मैं हमेशा वर्कआउट के साथ रहता था, बट लास्ट 1 मंथ मतलब वीक में 7 दिन के अंदर 6 डेज ही मतलब या तो सुबह को नहीं तो शाम को मतलब 3 किलोमीटर एवरी डे रनिंग करता था। ऊपर से कभी ना कभी दिन में एक टाइम कम से कम 1 घंटे के लिए स्विमिंग करता था, फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया तो वैसा करता, ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग करता रहता था। मतलब बॉडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर सह सकता है वैसा बनाना था मेरे को बॉडी को।
और इसके बाद जो है गाड़ी का सर्विसिंग आता है, इंजन को अच्छे से चेक कर लिया कि इंजन में कोई दिक्कत वगैरह है या नहीं, तो बस एकदम इंजन फिट है, और एक्सलेटर केबिल, क्लच केबिल, फिर मोबिल वगैरह सब कुछ, मतलब जितना सर्विसिंग का सारा काम था वो भी कर लिया पूरा। तो मेरा जो गाड़ी है एकदम पूरा रेडी हो गया और पूरा ठीक सब इन लोगों को जाता है, और गाड़ी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्लच भी एकदम फुल हो गया और फिर पूरा रेडी हो जाता है। मैंने ड्राइविंग सीटे बोले था कि गाड़ी पूरे जाए जाएगा, मतलब पूरे दाल है फिर মানে যত টেকনিক্যাল পার্ট আছে পুরো দাঁড়া লেগে আমি শুধু ড্রাইভিং করি আর কিছুই না। তো দোস্ত ইয়ে বড় মেকানিক হ্যাঁ ইয়ে যো হাই কোডোরি কো ইয়ে বড় মেকানিক আর আপনার গাড়ি একদম সাফ সুতরা হয়ে গিয়া আমি স্পার্কিং কো থোড়া সা ক্লিন করনা হ্যায় বাকি ইসকা সার্ভিসিং হয়ে গিয়া গাড়ি একদম নিকলনে কে লিয়ে রেডি হ্যায় এক দিক্কত আ গিয়া হর্ন কা যো তার হ্যায় ও বেটা বেটা জি हॉर्न का जो और जो मेन लाइन है वो थोड़ा सा कट हो गया, तो उसको थोड़ा सा रिपेयर करना है, और एक्सलेटर के भी और क्लच के भी जो मैंने चेंज किया है, तो जो इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत इधर उधर किया हुआ है उसका ब्लैक टेप वगैरह को फिर से अच्छे से करना है और क्लीन वगैरह करके फिर निकलेंगे। तो गाड़ी जो है पूरा पैकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया, एक महीने के लिए मैं घर पर नहीं रह रहा हूँ, तो बस वही है अपडेट, और एक ट्रेलर लेते देखते हाफ पैंट में है, राइडिंग शूज है, चप्पल है एकदम देसी वाला चप्पल, और देखते हैं अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत है हो रहा है बैलेंस का कुछ इधर उधर होगा तो फिर समझ आ जाएगा, तो बस यही है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, हर हर महादेव बोल के स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों चलो दोस्तों मॉर्निंग हो गया ऑलरेडी, ये लोग सब मस्ती कर रहे हैं, लोग आ गया ठीक है, स्टाफ एकदम आ गया, और सॉरी ये अभी तक आया नहीं ठीक है। बेसिकली आज प्लान था कि मैं 2 बजे उठूंगा, मतलब रात को बहुत सारा कोशिश किया कि सुबह को थोड़ा सा जल्दी मतलब लेट करके उठेंगे, बट हुआ नहीं, 1 बजे से नींद टूट गया, बहुत कोशिश किया सोने का, बट रोड में नींद आएगा, एक्साइटमेंट होता है, एड्रेनल रश ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल चाहिए इसमें, और कंट्रोल हो जाए भाई। ये लोगों को देखिए भाई, ये लोग सब उठ गया भाई, और घड़ी में कितना बज रही है अब देखिए, 2:15 और हम जो है 2:30 को निकलने वाला हूँ, तो फिर कुछ बोलना है भाई 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 भाई, ये गंदा लग रहा है, बोल भाई कुछ बोल भी रहा हूँ, और एक है राजू जो है वो बाहर है ठीक है, उसको हम लोग फोन को बीच रात में बहुत सारा गाली दिया ठीक है। सिद्धार्थ तो यो विजय बोल सब्सक्राइब करें, मजा होगे, खूब बावल होगे, बहुत मजा होगा भाई, राइट फॉलो करना और मतलब अच्छा कर लगे तो भाई सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर प्रेस करना, लाइक ठोको लाइक ठोको भाई ठोको ठोको भाई ठोको ताली ভালো কমিয়ে দিও, আইসে বিরিয়ানি খেতে হবে, আমি ঠিকই বলেছিলাম। দাদা দাদা দাদা
मिर्जा हाय ओके ओके चार ठीक हो जाए हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन और मैं निकल चुका हूँ अपने डिस्नी के लिए। ये सिद्धार्थ जो है मेरे को सी ऑफ करने के लिए आया है और बस ये कुछ देर तक किलोमीटर तक जाएगा मेरे साथ। अल्टीमेटली मैं निकल रहा हूँ अपने लद्दाख राइड के लिए। वही मेरा फेवरेट ब्रिज जो है आने वाला है, दैट इज वाली ब्रिज। और अभी जो है सारा दुनिया सो रहा है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अभी हम जा रहे थे, बीच में ये लोग मिल गए मेरे को और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया सब लोगों ने। अभी रात के बज रहे अभी 2:29। हाँ, सबने मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोला और वो भी भैया है। चलो चलिए मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रो थैंक यू। चलो चलो ठीक चलो। और मेरे साथ साथ इस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए मेरे इस वीडियो को, मेरा मतलब ये लद्दाख सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जो भी होगा मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी घर में जो है 4:31 हो रहे हैं और इस टाइम हर रोज मैं ग्राउंड में होता हूँ और आज जो मैं अपने ट्रिप पर निकल चुका हूँ ऑलरेडी। यही अपडेट है, रोशनी जो है धीरे धीरे निकल रहा है। हर रोज ये रोशनी मैं ग्राउंड में देखता हूँ और आज जो है अपने चीता के साथ हूँ। यही है। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेरे को। और हो सके तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए वीडियो को। तो अभी घड़ी में जो है 5:42 बज रहा है और हम जो है वर्धमान से और 20 किलोमीटर दूर में हैं। अभी तक तो वेदर ठीक है, इसके बाद कितना टेम्परेचर होगा पता नहीं मेरे को और बस बाकी सब ठीक ठाक है। अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, बाइक वहाँ पर चला है, ड्यूज बोला है, खतरनाक से एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वालों ने बंदे को हॉस्पिटल लेके गया बट मेरे को जितना पता चला कि बंदा रॉन्ग साइड से आ रहा था। यार हाईवे में चलाने तो सही रूल्स का फॉलो करो, सही साइड से चलो यार, मतलब क्या बेकार में एक एक्सीडेंट हो जाता है यार। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ पहुँच गया, ये अपने सारे लंचा का दुकान है और घड़ी में बज रहा है दैट इज 5:49। हम बाद में आएंगे, हम आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं अपने को। भाई मैं जा रहा था, जाते जाते एक बंदा मेरे को दिखा जिसके पास इंडियन फ्लैग था और वो पैदल चल रहा था। तो देखते हैं बंदा कहाँ जा रहा है। हाँ। कौन दूर मतलब एयरपोर्ट ঠিক কোনো অসুবিধা নেই তো? না বেশ ঠিক আছে চলো। তোমার নাম কি? আমার নাম নির্মল রাও। বাহ ঠিক একদম। একই জায়গা আছে, তো আশপাশ থাকা একদম থাড়া সাই ইধার উধার। কতদিনের প্ল্যান নিয়ে বেরিয়েছো? আমি বেরিয়েছি হচ্ছে তোমার বাহ ভেরি গুড ওয়েল ডান, পৌঁছে আরামসে পৌঁছাবে, চলো চলে যাও। আমার প্ল্যান, আমিও তোমার 100 সিসি নিয়ে বেরিয়েছি। झारखंड बॉर्डर यहाँ से और 50 किलोमीटर के करीबन है
और पीछे आपको दिख रहा होगा वाराणसी से 427 किलोमीटर बाकी है, फिर देखते हैं वाराणसी तक पहुँच पाते हैं या नहीं पाते हैं। बट मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, कल एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई और वही बस अपडेट है। हम झारखंड घुस गया क्या? झारखंड सामने होगा ना? ओके अच्छा 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 ठीक। और ये रहा पुलिस चेक पोस्ट, इसको क्रॉस करते हुए एक ब्रिज आता है शायद, और जिसके बाद हो जाता है झारखंड। अच्छा यही वो ब्रिज है जहाँ पर बंगाल खत्म होता है और झारखंड चालू होता है। नदी का नाम मेरे को पता नहीं, फिर हम बंगाल से झारखंड घुस गए। खुद ही को खुद बोलता हूँ वेलकम टू झारखंड। अभिनव भाई मैं आपकी जगह में आ गया हूँ। इतना गर्मी है, अभी तो थोड़ा बहुत ठंडा हवा आ रहा है, चॉकलेट का हालत देखिए क्या हो गया। और मैं खा रहा था, इन ज्यादा लोगों के साथ मुलाकात हुआ मेरा, ये लोग यहीं के है। और नाम बता दीजिए आपका। और अभी जो है चीता को फ्यूल अप करने का टाइम आ गया। फिर और जितना भी खर्चा पेट्रोल की वजह से हो रहा है, जो भी इधर उधर खर्चा हो रहा है, मैं सारे एक हार्ड कॉपी में नोट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको बताना है कि मेरा इस ट्रिप में कितना खर्चा हुआ है। ओ भाई साहब वो खतरनाक सा आवाज आपको सुनाई दिया? अरे नहीं, मैं सोचा मेरा गया, नहीं सामने वाला ट्रक का गया है। गर्मी, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आप गर्मी में जब भी ज्यादा से ज्यादा हाईवे के ऊपर राइड कर रहे हो, कुछ देर के बाद आप हमेशा आपका एयर प्रेशर जो उसको चेक करना, नहीं तो यार, क्योंकि पंक्चर रिपेयर करना तो मेरे को आता है, मगर पंक्चर रिपेयर करने में जो एनर्जी निकलता है ना, सच में भाई वो एकदम जहर। पेट्रोल पंप पे रुके थे, इस जगह का नाम क्या बोले भैया? ढोबरी। और मेरा लंच भी हो रहा है, दादा को बोला खाने के लिए, दादा नहीं खा रहे हैं, और वही बहुत देर से चला रहा है, 400 किलोमीटर हो गया अभी भी, और खाना खा के फिर निकलेंगे। थोड़ा सा पिछवाड़ा भी दर्द कर रहा था तो उसको भी थोड़ा सा ठंडा करना था, बस यही है खाना, मम्मी का हाथ का खाना आज तो ये मिलेगा, कल से बाहर का खाना ही मिलेगा, बस वही अपडेट। गाड़ी को भी रेस करना था, और ये भाई मेरे को यहाँ पे मिल गया, ये यहीं क्या रहता है, यहीं क्या, इस जगह का नाम क्या होगा बेटा? बेलकप्पी है, तो ये स्कूल में भी जाता है, 6th में पढ़ता है इसको। ये मेरे को पूछा कि भैया आप राइडर हो, रेस करते हो? मैं बोला मैं रेस तो नहीं करता, बट दूर पहाड़ों में जाता हूँ। इसको आना था यूट्यूब में, तो ये भी आ गया यूट्यूब में। कुछ बोलना है बेटा आपको? नहीं। दोस्तों के लिए कुछ बोलो? नहीं। कुछ भी नहीं बोलना है? नहीं। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, चलो। घड़ी में जो है अभी 4:30 बज रहा है, और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप वाराणसी यहाँ से 273 किलोमीटर बाकी है। तीन बहुत बोलता आ रहा था, रात को चिंता जैसे नहीं हुआ, तो फिर अभी चाय फिलहाल तो अभी चाय पी रहा हूँ, और देखते कितना दूर जा पाते हैं। बस वही गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ के ऊपर आ गया, चलते चलते पहाड़ के ऊपर, मैं कान जो है ना बंद हो गया, पता नहीं यहीं पे अगर कान बंद हो जाएगा तो जब लद्दाख पहुँचेंगे तब क्या क्या बंद होगा भाई। देखो इधर जगह गाड़ी दिख गया, हेलो दोस्तों, मैं बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, बहुत थक गया था कुछ देर से, तो छोटू के पास चाय पिया। अभी भी यहाँ से जो वाराणसी है ये अराउंड 227 किलोमीटर बाकी है, और मेरा जो दोस्त है वो फ्लाइट से पहुँच गया वहाँ तक, और बीच में मेरे को ये दादा मिल गए, ये बड़ा लवली अख्तर भाई मिल गया मेरे को,
और ये भी एक टाइम में बहुत बाइक चलाते थे, अभी भी चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं। तो बात हुआ तो मेरे टक्कर के कोई मिल गया, मैंने आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे पापा की उम्र के हैं, तो ये बहुत मेरे को सपोर्ट किए और मेरे को वेल विशेस भी किए। मैं अनिमेश को देखकर मैं बहुत पसंद हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, ये बहुत एक हिम्मत वाला आदमी है और अपनी हिम्मत पर और अपने दिलेरी से अपने दमखम पर कलेदर ये कलकत्ता से लद्दाख जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे नौजवानों को हाँ इनको हिम्मत है। और मैं जो है सो मैं अपने गॉड से और मैं अपने खुदा से खास तौर से मैं दुआ करता हूँ कि इनके आने वाले जो भी परेशानी है वो परेशानी इतने आसानी से टल जाए कि ये अनिमेश को पता भी ना चले कि वो परेशानी आई कैसे और गई कैसे। तो दोस्तों अभी जो है घड़ियाँ बज रहा है 7:08 और मैं अभी तक वाराणसी घुस नहीं पाया हूँ। वाराणसी यहाँ से अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास है, तो बस यही अपडेट है। दिल्ली वेट सुबह मैं कभी नाइट ड्राइव नहीं किया आज तक, ये मेरा फर्स्ट नाइट ड्राइव दिल्ली वेट के ऊपर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मत करो यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं एक दोस्त है मेरा, आर्मी में जॉब करते हैं, वो भी छुट्टी में आए हैं, तो मैं आज वाराणसी में उन्हीं के घर में रहूँगा, इसलिए मैं वाराणसी की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं पहले रुक जाता। तो दोस्तों अभी एक दिक्कत हो गया, तूफान बहुत खतरनाक से उठ गया है, गाड़ी पूरा हिल रहा है, पूरा एकदम मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक वाला काम हो गया, खतरनाक सा तूफान हो गया, हो रहा है ऑलरेडी, कुछ नहीं दिख रहा है, गाड़ी पूरा हिल रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हल्का गाड़ी है कैसे इसमें हवा से कैसे चल सको, कोई पंप वगैरह होगा और ऐसा जगह में तूफान आया मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पंप वगैरह होगा तो वहाँ पर रुक जाता। तो भगवान बचा के इधर था, बहुत तो लोडेड गाड़ी है। कंट्रोल नहीं कर पा रहा उतना दूर कर रहा हूँ, शायद आपको कैमरे पर दिखेगा, अभी दिखेगा शायद, तो देखिएगा आसमान में कुछ नहीं दिख रहा है, बाइक हमें बहुत ज़्यादा कट रहा है। दोस्तों अगर आपको पता चलता आवाज़ सुन के आपको पता चल रहा होगा, बहुत खतरनाक सा आंधी चालू हो गया रोड में, गाड़ी जो है मेरा एकदम पर डगमगा गया और वहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम कुछ नहीं था, फिर मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर एक पेट्रोल पंप मिल गया, मैं वहीं पे अभी कुछ देर के लिए घुस गया हूँ और वेट कर रहा हूँ, जब आंधी घुस जाएगा तब निकलूँगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों तूफान तक तो ठीक था, बारिश भी चालू हो गया भाई, अब क्या करें यार। ऊपर से ये जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बीच बीच में डाइवर्सन्स भी आ रहा है, और डाइवर्सन्स के बाद जो रोड मिल रहा है वो एकदम क्या बताया, उसमें जेसीबी से एकदम रोड को फाड़ दिया गया है और मट बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरा लोडेड गाड़ी को बैलेंस करना थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही मतलब पावर लग रहा है। और उधर बारिश होने की वजह से इधर का मौसम जो है अच्छा है, एकदम डिसेंट वेदर है, मगर 3-4 घंटा वो ऐसे भीगा शूज़ पहन के चलाने की वजह से मेरा पैर एकदम मतलब क्या बताया, ठंडा एकदम चिपचिप कर रहा है, घर में जाके दिखाएंगे आपको पैर का हालत क्या है। एंड अल्टीमेटली अभी घड़ी में 1:30 बज रहा है और मैं अपने दोस्त के घर पहुंच चुका हूं, और वो भी 100 cc में, तो फिर 100 cc में एक दिन में कैलकाटा से वाराणसी में कर लिया। चलो और घर में जाके दिखाता हूं मेरा पैर का हालत अभी कैसा है। गूगल मैप कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाता है। कोई बात नहीं, तो चीता को आज यहीं पे छोड़ते हैं और कल मैं आपको मेरे दोस्त से मिलाऊंगा। बेसिकली अभी तक का मेरा रिकॉर्ड था एक दिन में 572 किलोमीटर, और अभी अप्रोक्सीमेटली कैलकाटा टू वाराणसी 750 किलोमीटर का न्यू रिकॉर्ड मैंने बना लिया, और वो भी 100 cc में, और बारिश में गाड़ी चला के भीगा जूता पहन के ऐसा हो गया।